आयत चित्र एवं आवृत्ति बहुभुज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अंतर पहला, आयत चित्र केवल आवृत्ति को दंडों द्वारा प्रदर्शित करता है। आवृत्ति बहुभुज अधिक उपयोगी है, यह आंकड़ों में मूल्य वृद्धि एवं गिरावट का भी संकेत देता है। इसमें आवृत्ति को बहुभुज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अंतर दूसरा, आयत चित्र में आवृत्तियों को पूरे वर्गांतर में फैला हुआ माना जाता है। आवृत्ति बहुभुज में किसी वर्ग की सभी आवृत्तियों को उस वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। अंतर तीसरा, आयत चित्र की रचना समान और असमान वर्ग चौड़ाई के लिए की जा सकती है। आवृत्ति बहुभुज केवल समान वर्ग चौड़ाई के लिए बनाया जाता है। ओजाइव अथवा संचयी आवृत्ति वक्र, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सांख्यिकी में वर्ग और उसके संगत संचयी आवृत्ति के लेखा चित्र का प्रदर्शन संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाइव कहलाता है। जिस प्रकार आवृत्ति बहुभुज का लेखा चित्र बनाया जाता है, उसी प्रकार संचयी आवृत्ति वक्र का भी लेखा चित्र बनाया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र बनाने की दो विधियां हैं, पहली से कम विधि, दूसरी और अधिक विधि। पहली से कम विधि, किसी वर्ग की संचयी आवृत्ति उस वर्ग की आवृत्ति और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की आवृत्तियों का योगफल होता है। अब निम्न सारणी के आधार पर से कम संचयी आवृत्ति वक्र बनाने का प्रयास करें। सारणी क्रमांक 11, शून्य से 5 वर्ग की आवृत्ति 4, 5 से 10 वर्ग की आवृत्ति 15, 10 से 15 वर्ग की आवृत्ति 10, 15 से 20 वर्ग की आवृत्ति 12, 20 से 25 वर्ग की आवृत्ति 9। हल, से कम की संचयी आवृत्ति, शून्य से कम वर्ग की आवृत्ति 0 और संचयी आवृत्ति भी 0, 5 से कम वर्ग की आवृत्ति 4 और संचयी आवृत्ति भी 4, 10 से कम वर्ग की आवृत्ति 15 और संचयी आवृत्ति 15 × 4 = 19, 15 से कम वर्ग की आवृत्ति 10 और संचयी आवृत्ति 10 × 15 × 4 = 29, 20 से कम वर्ग की आवृत्ति 12 और संचयी आवृत्ति 12 × 10 × 15 × 4 = 41, 25 से कम वर्ग की आवृत्ति 9 और संचयी आवृत्ति 9 × 12 × 10 × 15 × 4 = 50। दूसरी और अधिक विधि, किसी वर्ग की संचयी आवृत्ति उस वर्ग की आवृत्ति और उसके बाद के सभी वर्गों की आवृत्तियों का योगफल होता है। अब इसे सारणी के आधार पर और अधिक संचयी आवृत्ति वक्र बनाते हैं।
शून्य और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 4, 15, 10, 12, 9, 0 = 50, 5 और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 15, 10, 12, 9, 0 = 46, 10 और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 10, 12, 9, 0 = 31, 15 और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 12, 9, 0 = 21, 20 और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 9, 0 = 9, 25 और अधिक वर्ग की संचयी आवृत्ति 0।